रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता और वितरण की जानकारी अब जिला कलेक्टर नागपुर की वेबसाइट पर दी जाएगी। जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने देर रात इस संबंध में जानकारी दी। संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित एक बैठक में ऊर्जा मंत्री और संरक्षक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के संदर्भ में बेहतर समन्वय की उम्मीद की थी। उसके बाद जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने एक बैठक बुलाई और जिले में समग्र स्थिति के लिए बारे में जानकारी को स्पष्ट किया। इसके लिए यह जानकारी नागपुर कलेक्टर की आधिकारिक वेबसाइट nagpur.government.in पर उपलब्ध कराई जा रही है। सूचना का एक वीडियो जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे द्वारा कल देर रात जारी किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जिले में समर्पित कोविड केंद्र को रेमडेसिविर की आपूर्ति अब उपलब्ध नहीं होगी, अन्यत्र आपूर्ति आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। स्पष्ट निर्देश है कि निजी अस्पताल में जरूरत न होने पर इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि कोरोना पीड़ित जिसके पास 93 से कम ASPO2 है, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और 8 से अधिक का HRCT स्कोर होता है, वह इंजेक्शन प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा जिले में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति है। 10 अप्रैल उन्होंने बताया कि वर्तमान 990 से 95 टन ऑक्सीजन का भंडार उपलब्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकता अनुसार कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन वितरित किया जाएगा। नमस्कार, मी रविंद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी नागपूर। सगळ्या नागपूरकरांना एक सांगू इच्छितो की रेमडेसिविरचा जो काही तुटवडा भासतो आहे, त्या अनुषंगाने माननीय पालकमंत्री महोदयांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेतली आणि त्या अनुषंगानेच काही सूचना केल्या। आजपासून आम्ही आपल्या इथले जे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स आहेत त्यांना जो काही रेमडेसिविर इंजेक्शन्सचा जो काही साठा उपलब्ध होतो आहे तो आम्ही त्या कोविड हॉस्पिटल्सच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देतो आहे। तसंच जे काही स्टॉकिस्ट आहेत त्या कंपनीचे, त्यांच्याकडे सुद्धा काही शिल्लक साठा राहील, जो की या ठिकाणी इतर जे रुग्ण आहेत त्यांना तो उपलब्ध होऊ शकेल। परंतु पहिलं प्राधान्य हे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल आणि ज्या DCHCs आहेत त्यांच्यासाठी ते आहे, त्या अनुषंगाने त्याचं सगळं वाटप आम्ही या ठिकाणून आजपासून करतो आहोत। याबाबतचं नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचं जे वेब पोर्टल आहे त्यावर सुद्धा आपल्याला ते बघायला मिळेल, nagpur.gov.in। तर कुठल्या हॉस्पिटल्सला किती ते दिलेलं आहे याबाबतची सुद्धा माहिती आपल्याला त्या ठिकाणून मिळेल। कैमरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।